सहर सोच बदलनी होगी। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं, हम लोग ग्लास बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं और इंडिया टुडे पूरे ग्रुप ने ये बदलाव किया है। हमारे ऑफिस को हम प्लास्टिक फ्री बना रहे हैं और कोशिश ये है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम पूरी तरह से ख़त्म करें। लेकिन सहर ये एक ऐसा इशू है जिसमें आज भी बच्चे बड़ों को सिखाते हैं। तो ट्विटर पर मैंने देखा किसी ने डाला कि देखिए अब तो ये शॉप फला फला इसने बदलाव कर दिया, प्लास्टिक हटा के अब ये पेपर बैग्स दे रहे हैं। बट तुरंत ही घर में फिर रिएक्शन आया कि बट दे आर कटिंग डाउन ट्रीज, हम पेड़ों को काट के अगर फिर पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका क्या सोल्यूशन है? पेपर बैग्स नहीं रिप्लेस कर सकते, राइट? या दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। आई एम सॉरी माय हिंदी इज नॉट वेरी गुड, बट यू नो आई थिंक इट्स अप टू मैन्युफैक्चरर्स टू क्रिएट एंड डिजाइन प्रोडक्ट्स दैट आर मोर सस्टेनेबल। सो आई रियली थिंक वी शुड पुश इनोवेशन इन दिस एरिया. And I think it's great that we have policies that are pushing this innovation, but I think now we need to kind of look at things from a more ground up perspective. So basically, are we creating tax incentives for these manufacturers to create earth friendly products? Are we creating, are we putting some budget towards R&D? We see the huge FMCG industry, things that, you know, personal care products that we use every day, toothbrushes for instance, 4.7 billion of them land up in the landfill each year. So, you know, are we creating some sort of incentives for R&D budgets to be set aside to reimagine cradle-to-cradle sustainable packaging in the first place? So, you know, instead of paper bags, could we use cloth bags that we could use over and over again? Could we make our own bags, you know, using our old cloth? And I think in India, it's almost in our DNA, recycling, reusing, using our stainless steel tiffin, going to the bazaar, you know, getting as much food that we want from the bazaar rather than predictated amount of packaged food that is now in all of the grocery stores. So I think it is literally in our Indian DNA. And I think we need to really kind of look back a little bit about how we used to do things. And in the way of convenience, we've kind of gone a little too far ahead in which we're producing too much single-use plastic that we really don't need. So I think it's really up to us to reimagine which way we want to go. And we can become waste managers merely like the West, or we can reimagine this problem and redesign products from a more kind of cradle-to-cradle philosophy. Gul, आपने ज़िंदगी में क्या-क्या बदलाव किए हैं? या फिर शुरू से ही आप, because कभी हम आपको बाइक पे देखते हैं, हमेशा फिटनेस मोड में देखते हैं, बॉटल बैग कटलरी भी, क्योंकि सिंगल प्लास्टिक वाले स्पून्स जो हैं, क्या क्या लेके चले? मैंने बदलाव तो 5 साल पहले शुरू कर दिया था। मेरी प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक गाड़ी है। आई बीन ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक कार फॉर 5 ईयर्स। और द पॉइंट इज, जो मैं पहले आपसे बात कर रही थी कि हमें सबको हमारी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तो कंफर्ट जोन ये होती है कि आप नॉर्मल गाड़ी चलाएं, कहीं पर भी आप पेट्रोल भर सकते हैं, कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, आपको लाइफस्टाइल नहीं बदली करना पड़ता। पर जब आप एक कदम उठाते हैं कि अब से मैं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाऊँगी, उसकी अलग डिबेट है, पर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कम्फर्ट, मुझे कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। आई कांट जस्ट गेट अप एंड लीव बिकॉज आई नो दैट आई हैव टू हैव एडिक्वेट चार्ज। तो मुझे थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक उसी तरह जब हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात करते हैं, मेन इशू ये है कि हम आदी हो चुके हैं एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल की, और उस लाइफस्टाइल को हम चेंज नहीं करना चाहते। और जैसा कि आपने कहा, बच्चे इस मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन बड़े रिजिस्ट कर रहे हैं क्योंकि बड़े कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। लेकिन बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, सीखते हैं, और उन्हें लगता है कि हमें बदलाव आना चाहिए बिकॉज दे यंग एंड देर आइडियलिस्टिक। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर, अगर आप देखें जो भारत की पल्स पोलियो कैंपेन है, इट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल मास मीडिया मास डिसेमिनेशन कैंपेन इन द वर्ल्ड। अगर उस स्तर पर उतनी कमिटमेंट, उतनी डेडिकेशन के साथ रिसोर्सेज लगाए जाएं सिंगल यूज़ प्लास्टिक की अवेयरनेस के बारे में, कौन सा रिसाइकल किया जा सकता है, कौन सा रिसाइकल नहीं किया जा सकता, किसका प्रयोग कैसा है, तो मुझे 100% विश्वास है अगले एक दशक तक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। पर अगर हम इसे पल्स पोलियो कैंपेन या आयोडीन नमक में जो होना चाहिए कैंपेन, जो भारत सरकार ने शुरू की थी 20-25 साल पहले, उस लेवल तक अगर हम इसे नहीं अप्रोच करेंगे तो इसका सक्सेस नहीं होने वाला है। तो ये कमिटमेंट सरकार की होनी चाहिए, ना सिर्फ केंद्रीय सरकार की बल्कि राज्य सरकार की, उसके बाद म्यूनिसिपल लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर, ये उस लेवल की मुहिम है। एक बहुत बड़ी कैंपेन का ऐलान करने से ग्राउंड पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिस तरीके से पल्स पोलियो कैंपेन या नमक में आयोडीन होने की कैंपेन 20-25 साल चली है और आज उसका असर हमें देखने को मिल रहा है, उस लेवल की ये कैंपेन होनी पड़ेगी अंजन, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।